और इसके बाद भी वहाँ पे सबसे बड़ी बात रहती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए, कहीं पे आप प्लॉट लेंगे तो आप अनजान एरिया से रहते हैं, मुंबई से 250 किलोमीटर के पे आप अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, अगर वहाँ पे गेटेड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो आप आके रहने में आपको सिक्योर फील नहीं होगा। तो उसके लिए प्लॉट के आजू बाजू में बस्ती चाहिए, या फिर गांव चाहिए, या फिर कोई फार्म हाउस बगल में बना हुआ हो, या फिर कोई आजू बाजू में डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में लेते समय चैलेंजेस आते हैं, और वो सब होने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को हमें पूरी तरीके से कंपाउंड होना चाहिए, वहाँ पे डर नहीं लगना चाहिए, वहाँ पे मार्केट भी एक्सेस पास में होना चाहिए, ये सब चीज़ें। और इसके बाद अगर प्रॉपर्टी 4 एकड़ कोई बेच रहा है तो तोड़ के नहीं देता, 1 एकड़ आधा एकड़ चाहिए तो नहीं देता। आज के डेट में करजत, खालापुर, मुरबाड़, खोपोली, लोनावला हर जगह पे एक पैटर्न बन गया है कि आपको अगर आधा एकड़ और 1 एकड़ चाहिए तो आपको मजबूरन आपको प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, गेटेड कम्युनिटी में जाना पड़ेगा, आपको प्लॉटिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड तो सस्ती रहती है, लेकिन जिसकी लैंड 4 एकड़ रहती है, 5 एकड़ रहती है, वो भले ही आधे प्राइस में हो, लेकिन वो 1 एकड़ आधा एकड़ तोड़ के नहीं देता, क्योंकि रोड फ्रंटेज का इशू आता है, एक्सेस का इशू आता है, इसलिए वो पूरी ही लैंड बेचता है, इसलिए सस्ती रहती है। जैसे कि कोई कहता है कि आज के डेट में पाली में मिल रही 20 लाख रुपये एकड़, हाँ, लेकिन वो पूरी 12 एकड़ लेनी पड़ेगी, 15 एकड़ लेनी पड़ेगी। अगर आपको आधा और 1 एकड़ चाहिए तो आपको मजबूरन 30 लाख आधा एकड़ में ही जाना पड़ेगा। तो आज मेरे पास जो प्रपोजल आया है वो बाय गॉड, बाय आपका लक, आधा एकड़ है, अलग है, इंडिविजुअल है, 22 घंटे की प्रॉपर्टी है, प्राइस है उसकी 1,70,000 रुपये घंटा, निगोशियेबल। तो सबसे पहले अभी प्रॉपर्टी देखते हैं, और कनेक्टिविटी की बात करें तो उस प्रॉपर्टी से मुंबई जो है वो 2 घंटे की दूरी पे है, पुणे भी है 2 घंटे की दूरी पे है। आप ये अगर मुंबई से आते हो तो आपको आना पड़ेगा खोपोली एक्सप्रेसवे से एग्जिट होके इमेजिका आना पड़ेगा, इमेजिका से आपको पाली आना पड़ेगा, पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है, वहाँ से 2 मिनट की दूरी पे ये प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट रोड टच प्लॉट है, प्लॉट का साइज़ है, फिर एक बार सुनिए, 22 घंटा, और इसका प्राइस है 1,70,000 रुपये घंटा, निगोशियेबल। तो अभी हम प्लॉट देखते हैं। अनजान एरिया में प्रॉपर्टी लेते समय सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वहाँ पे आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि हम एक अनजान रहते हैं, हमारे जैसे किसी लोगों ने वहाँ पे कुछ बनाया है क्या, वहाँ पे कोई बाहर के लोग आके उन्होंने फार्म हाउस में कुछ पैसा डाला है कि नहीं, कि ऐसा ना हो कोई हाई हम अकेले जंगल में जाके फंस जाए। तो इसलिए मैं आजू बाजू की डेवलपमेंट भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इधर आने की ज़रूरत ना पड़े, आपका समय बचे। ये देख सकते हैं आजू बाजू में भी लोगों ने फार्म हाउस यहाँ पे बना के रखे हैं। और दूसरी बेसिक बात जो सबसे ज़रूरी रहती है वो है पानी की। तो ये पानी वाला एरिया है, यहाँ पे एक छोटा सा नाला बाजू में बह रहा है, फार्मिंग लैंड अच्छी है, जो देखिए वाल अभी लगाया हुआ है खेती में फार्मर ने। ये सब दिखाने से क्या होता है कि आपका समय बचता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आई हुई है, और अभी हम देखने जा रहे हैं एक्चुअल वो प्लॉट जो सेल के लिए अवेलेबल है, 22 घंटा। ये देखिए दूसरे काफ़ी लोगों ने, इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, और ये जो रोड है ये गवर्नमेंट डामरी रोड है, ये आगे जाता है 1-2 किलोमीटर पाली। ये है प्लॉट दोस्तों जो सेल के लिए अवेलेबल है। ये इस प्लॉट को नए जो सीमेंट के पोल है यहाँ से ये प्लॉट चालू होता है, प्लॉट में पुराना पेड़ है, और ये प्लॉट यहाँ पर ख़त्म होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर ये सूखा वाला पेड़ है, ये इस प्लॉट की बाउंड्री है। साधारणतः 100 मीटर का रोड फ्रंटेज इस प्लॉट को है, ये देखिए। पीछे के साइड में फार्म हाउस भी बनाए लोगों ने बनाया हुआ है। नियर बाय मार्केट पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर है, वहां से आपको यहां तक एसटी आती है, वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बैंक है, एटीएम है, मंदिर है, मस्जिद है, जैन मंदिर है, मतलब तहसील है, तहसील मतलब तालुका, बहुत बड़ा मार्केट है, ज़रूरतमंद के सभी चीज़ें वहाँ पे मिलती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ तक आने के लिए 6 सीटर ऑटो मिलती है जो शेयरिंग में आती है, 20 रुपये दे के आप यहाँ तक आ सकते हैं पाली मार्केट से, क्योंकि 2 ही किलोमीटर की दूरी पर है। एसटी भी आती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। सो कहने का मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है, आजू बाजू में बस्ती है, सिर्फ 1 किलोमीटर पर लोकल का गाँव है जहाँ पर 70-80 घर है। आजू बाजू में भात खेती है, मतलब फार्मिंग लैंड है, यहाँ पे
कहने का मतलब यहाँ पे अच्छी खासी खेती भी हो सकती है। आप चावल की खेती कर सकते हैं, आप यहाँ पे मूला, गाजर, ककड़ी, अमरूद, इनके पेड़ भी लगा सकते हैं, और सब्जी भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लॉट ये पूरा स्क्वायर में है दोस्तों, पीछे देखिए अच्छी डेवलपमेंट है, फार्म हाउस लोगों ने बनाया हुआ है। और मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर, खोपोली से आधा घंटे की दूरी पर पाली ये शहर है। पाली ये शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये प्लॉट है, पूरा स्क्वायर में है। प्लॉट के पीछे इलेक्ट्रिसिटी आई है, गवर्नमेंट रोड टच है, सामने फार्मिंग होती है, मतलब फार्मिंग के लिए अच्छा है। पानी आपने देखा, प्राइस है 1,70,000 रुपये गुंठा, टोटल प्लॉट है 22 गुंठा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।